Hello students, welcome to Maths Hunt. Today we discuss the polar form of complex number. पिछली वीडियो जो अपने की करया सी the properties of complex number. Today's topic is polar form of complex number. Let's start. अपने को की एक complex number है equal to x plus eta y. x x नू x x से according लिख लिया, y नू y x से along लिख लिया. x कोऑर्डिनेट नु की कहना अवशिषा, y नु की कहना कोऑर्डिनेट्स. मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू x दी स्क्वायर प्लस y दी स्क्वायर स्क्वायर रूट. पोलर फॉर्म च की दो कंपोनेंट आ जांदे r ते थीटा. सपोज एट पॉइंट ए r वी रोटेट थ्रू एंगल थीटा, देन वैल्यू एट पॉइंट दिस comes in the form of r and theta. Now we have a complex number z equal to x plus eta y. Inu polar coordinate che represent karta hai, x nu rotate karta theta angle te along y, p di value ki aanegi r theta. From triangle opm, opm jehdi triangle hai oh ch value of x upon r ki de equal hai cos theta. x इक्वल की दे आ गया r cos थीटा. सिमिलरली y अपॉन r की दे इक्वल है sin थीटा दे. वैल्यू ऑफ y की आ गई इक्वल टू r sin थीटा. z अपने को की गिवन सी x plus theta y. वैल्यू x दी पुट करती r cos थीटा, y दी वैल्यू पुट करती y r sin थीटा. हुन r दी वैल्यू फाइंड आउट करने लिए की करया x दी स्क्वायर करती प्लस y दी स्क्वायर करके दोनों नु ऐड करता. लेफ्ट हैंड साइड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, राइट हैंड साइड r स्क्वायर कॉमन आ जाओ cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर. cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर दी वैल्यू कितनी होती है 1. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, r दी वैल्यू की आ जाओ स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. हुन आपां ने करदे आगे थीटे दी वैल्यू फाइंड आउट करदे आ. x की दे इक्वल सी x प्लस r cos थीटा, y की दे इक्वल सी r sin थीटा दे. डिवाइड करता sin अपॉन cos tan थीटा, वैल्यू की आ गई y अपॉन x. थीटा दी वैल्यू की आ गई tan इनवर्स y अपॉन x. थीटा नु और की कह सकदे आपां एम्पलीट्यूड कह सकदे आ, आर्गुमेंट कह सकदे आ. क्वेश्चन करन तो पहला आपां कोऑर्डिनेट सिस्टम बारे थोड़ा लर्न करिए. कोऑर्डिनेट सिस्टम x एक्सिस नु किदे फोर पार्ट च डिवाइड करता है. इधर की है x एक्सिस, ऊपर की है y एक्सिस. फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट. फर्स्ट कोऑर्डिनेट च x ते y दोनों दी वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट च x दी वैल्यू नेगेटिव, y दी वैल्यू पॉजिटिव, थर्ड च बोथ x एंड y आर नेगेटिव, फोर्थ च x पॉजिटिव y नेगेटिव. नाउ एंगल फाइंड आउट करने लिए की करना है थीटा इक्वल टू अल्फा. अल्फा की है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल लेना है. फर्स्ट कोऑर्डिनेट च थीटा की दे इक्वल अल्फा दे, सेकंड कोऑर्डिनेट च पाई माइनस अल्फा हो, थर्ड च अल्फा माइनस पाई हो, फोर्थ च की हो माइनस अल्फा. हुन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा क्लीयर हो जू. क्वेश्चन की अपने को जेड की दे इक्वल है, जेड इज इक्वल है थ्री प्लस फोर आइटा दे. इनू जेड नू स्टैंडर्ड फॉर्म कि इक्वल होंगी है एक्स प्लस वाई आइटा. एक्स नू आपां पोलर का फाइंड पोलर च फाइंड करने लिए की पुट करना है, एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा पुट करना है, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा पुट करना है. एक्स की वैल्यू कितनी है थ्री, एक्स की सब्स्टिट्यूट करती आर थ्री इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई की वैल्यू 4 है, y इक्वल टू 4 r sin थीटा. r दी वैल्यू फाइंड आउट करने लिए की करना सी x दा स्क्वायर करके y दा स्क्वायर करके दोनों नु ऐड करना सी. सिमिलरली करया फर्स्ट इक्वेशन दा स्क्वायर करता, सेकंड इक्वेशन दा स्क्वायर करता, दोनों नु ऐड करता. r स्क्वायर की दे इक्वल आ गया 25 दे, r दी वैल्यू कदी आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल टू 5. नाउ थीटा, थीटे की वैल्यू की सी
टैन थीटा किदे इक्वल सी साइन अपॉन कॉस थीटा दे। आर दी वैल्यू फाइव पुट करने तो बाद इक्वेशन की बन गई अपने कोले कॉस थीटे वाली 3.5 कॉस थीटा, इत्थे आर दी वैल्यू पुट करने तो बाद 4.5 किदे इक्वल आ गया साइन थीटा दे। सिमिलरली कर लिया 3.5 कॉस थीटा 4.5 साइन थीटा, साइन ते कॉस दी वैल्यू पुट करने तो बाद थीटा किदे इक्वल आ गया 4.3, थीटा दी वैल्यू कौन की आ गई टैन इनवर्स 4.3। पोलर फॉर्म च की है आर दी वैल्यू पुट कर देने कॉस थीटा, थीटा की है टैन इनवर्स 4.3 ते साइन थी ऑयटा साइन टैन इनवर्स 4.3 पोलर फॉर्म आ गई। सैकेंड तो क्वेश्चन तो होर क्लीयर हो जू। हुण आपां ने की करना अगे नैक्सट टर्म च की है अपने कोले जेड की दे इक्वल -4 + 4 स्केयर रूट ऑफ 3 ऑयटा, 4 - 4 + 4 3 ऑयटा नूं किहदे इक्वल रख लिया आर कोस थीटा ऑयटा साइन थीटा, मीनज एक्स की दे इक्वल आर कोस थीटा दे वाई की दे इक्वल आर साइन थीटा दे। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आर कोस थीटा -4 आर साइन थीटा किहदे इक्वल आ गई 4 स्केयर रूट ऑफ 3। हुण की करना है स्केयरिंग एंड एडिंग, स्केयरिंग एंड एडिंग करने तो बाद आर कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा किहदे इक्वल आ गया 64 दे, साइन कोस प्लस साइन की वैल्यू कितनी सी 1, आर स्केयर किहदे आ गया 64 दे आर की वैल्यू कितनी आ गई 8। आर फाइंड आउट कर लिया हुण अगे की करना थीटा, आर की वैल्यू पुट करती -4 = 8 कोस थीटा, 4 square root = 8 साइन थीटा, कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई -1/2, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई साइन थीटा किहदे इक्वल आ गया स्केयर रूट ऑफ 3/2। उपर वाले क्वेश्चन से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते सी, इस आप थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पाई। हुण आपां ने की करना है थीटा इक्वल टू अल्फा लेना, अल्फा की है पॉजिटिव एंकल, कॉस थीटा 1/2 किहदे इक्वल हुंदा π/3 यानी कि 60 दे पॉजिटिव, साइन का ध्यान नहीं रखना, साइन स्केयर रूट ऑफ 3/2 किहदे इक्वल है अपने कोल भी π/3 दे, थीटा अपने कोल अल्फा किन्ना आ गया π/3। हुण अपने कोल इहदा साइन फाइंड आउट करना है, साइन फाइंड आउट करने लिए की करना है आपने उपर देखना है, उपर की है एक्स की वैल्यू नैगेटिव है वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, एक्स की वैल्यू नैगेटिव वाई की वैल्यू पॉजिटिव केड़ा कोऑर्डिनेट आ गया एक्स की वैल्यू नैगेटिव वाई की वैल्यू पॉजिटिव, सैकेंड कोऑर्डिनेट से थीटा की सी π - α, अल्फा कि अपने को π/3 थीटा अपने को आ गया 2π/3। बस फिर की करना थीटे की वैल्यू सबसीट्यूट कर देनी है, आर की वैल्यू लिखती कॉस 2π/3 आइटा साइन π/2π/3। थैंक्स फॉर लिसनिंग, कीप शेयरिंग एंड सपोर्ट।